गुनाह की गलियों में जब कभी भूले से भी किसी का पता पूछ लिया तो हैरान मत होना, हवा भी इशारा करेगी उस शहर का। जी हाँ, गुनाहगारों का शहर, शैतानों का भेद, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। ये बात और है कि गुनहगारों का पता बदल चुका है। मौजूदा वक्त में शहर की अब वैसी पहचान नहीं रही, लेकिन कभी वो भी वक्त था जब बात सियासत की हो या फिर गुनाह की। जिक्र होते ही सबसे पहले नाम आता था गोरखपुर का। ये बात अजीब नहीं लगती कि जब जयप्रकाश नारायण और लोहिया के आंदोलन के वक्त देश बेहतर कल की उम्मीद लेकर हुकूमत के सामने झंडा बुलंद कर रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश में सियासत के नौसिखिए गोरखपुर पहुंचकर अपराध की पाठशाला में दाखिला ले रहे थे। आज उसी गोरखपुर से निकलकर सूबे की सत्ता के शीर्ष पर बैठे एक योगी ने शहर की दशा और दिशा बदल दी है। एक वो वक्त था जब सियासत की सरपरस्ती में कुछ इन लफ्जों से शहर बदनाम था। देखोगे तो मिल जाएंगी हर मोड़ पर लाशें, ढूंढोगे तो शहर में कोई कातिल न मिलेगा। लेकिन आज लाशों की बात नहीं होती, होती है तो सिर्फ कातिलों और गुनहगारों के अंजाम की। जी हाँ, बात उसी गोरखपुर की जहां कभी गुनाह की स्याही से सियासत की इबारत लिखी गई, लेकिन अब सियासत ऐसी हो गई है कि गुनहगार न सिर्फ गुनाह से तौबा कर चुके हैं बल्कि उस सियासत से भी जिसका कभी सूबे के सियासी गलियारे में सिक्का चलता था। आखिर कौन था सियासत का वो बदनाम चेहरा जिसका ताल्लुक गोरखपुर से था? जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब यही होगा कि एक हो तब तो जिक्र करें, किस किस का नाम ले, किससे शुरू करें समझ से परे है। फिर भी आइए, सवाल हुआ है तो जवाब भी तो देने पड़ेंगे। शुरुआत उस नाम से जिसकी अहले जुबां तो यही होती थी कि मुझे सियासत मत सिखाइए साहब, हम तो वो हैं जो बिना पद के भी पावर में रहते हैं। जी हाँ, वो नाम है हरिशंकर तिवारी। गोरखपुर में ये शुरुआत तब हुई, गोरखपुर यूनिवर्सिटी बनी 1958 में, उसके बाद वहाँ केवल इंडस्ट्री थी रेलवे। अब उसके बाद जो छात्र राजनीति से तमाम लोग निकले और उसके बाद वहाँ ठेकेदारी बर्चस और वहाँ की फर्टिलाइज़र फैक्ट्री और वहाँ पर गैंग वार हुआ और उसमें दो गैंग निकल कर आए, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही। गोरखपुर की दक्षिणांचल की सीट है चिल्लुपा। गोरखपुर में धमकी भरे लहजे में ये कहते शायद आपने भी सुना होगा कि मारव तक दखिन चल जाइवा। चिल्लुपार गोरखपुर का वही दखिन है, गोरखपुर की सबसे छोटी विधानसभा, लेकिन सूबे की सियासत में इसका दबदबा सबसे ज्यादा था। हरिशंकर तिवारी से लेकर वीरेंद्र प्रताप शाही और श्री प्रकाश शुक्ला जैसे न जाने कितने ही नाम इस विधानसभा से जुड़े और सूबे की सियासत के अगुआ बने, लेकिन वक्त के साथ वो दबदबा, वो हुकूमत, वो नशा, वो दौलत सब खत्म होता गया। और होते भी क्यों ना, वो तो किरदार की शक्ल में किराएदार थे, वक्त के साथ घर बदलते गए। तो हरिशंकर तिवारी छात्र नेता से क्राइम में गए या फिर उनके ऊपर 26-27 मुकदमे उस समय भी थे, वहाँ से पॉलिटिक्स में आते हैं और पॉलिटिक्स में आने के बाद उनका 1985 से जो सिलसिला चला, करीब 22 साल वो विधायक रहे लगातार, 2007 में आके चुनाव हारते हैं वो। इस शहर की तासीर ही कुछ ऐसी थी कि वक्त के साथ किरदार बदलते गए। इस वक्त जिस चहरदीवारी के बाहर हम खड़े हैं, कभी इसी चौखट के भीतर
सूबे की सियासत तय होती थी। वक्त बेशक बदलता गया, लेकिन कई दशक तक गैंग्स ऑफ गोरखपुर से जुड़े लोग चिल्लू पार की इसी चौखट पर सजदा करते रहे। गैंग्स ऑफ गोरखपुर को समझने के लिए हमें एक दशक पहले के सियासी पन्नों को पलटना होगा, जिसकी शुरुआत होती है गोरखपुर यूनिवर्सिटी से। बात 1970 के आसपास की है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हुआ करते थे बलवंत सिंह और दूसरी तरफ थे हरिशंकर तिवारी। छात्र राजनीति में भी एक नए किस्म का जाति बोध आकार ले रहा था। बलवंत सिंह को साथ मिला उन्हीं की जाति के वीरेंद्र प्रताप शाही का। फिर क्या था, ब्राह्मणों के अगुआ बने हरिशंकर तिवारी भी वर्चस्व की जंग में कूद पड़े और फिर इटली के माफियाओं के तर्ज पर संगठित गिरोह बनाकर निकल पड़े गुनाह की गलियों में। और फिर ऐसी जंग शुरू हुई कि दौलत और सियासत ने नफरतों के जख्म को कभी भरने ही नहीं दिया। ठीक उसी वक्त लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे युवा विधायक रविंद्र सिंह की हत्या हो गई। कहते हैं कि उसके बाद ठाकुरों के गुट ने वीरेंद्र प्रताप शाही को अपना नेता मान लिया। देखते ही देखते गोरखपुर की फिजा में बारूदी गंध पैवस्त होने लगी। शहर का सूरत हाल कुछ यूं था कि सरकारी सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के गुट ने अपनी अपनी समानांतर सरकार बना ली। दरबार लगने लगे, जमीनों के मुद्दे इनके दरबार में आने लगे, लोगों के मुकदमे की सुनवाई इनकी अदालतों में होने लगी। लोग कोर्ट कचहरी जाने से बेहतर इनके दरबार में सजदा करने लगे और कहते हैं कि इन दोनों के आशीर्वाद से तमाम छोटे बड़े माफिया जरायम की दुनिया में अपनी आमद दर्ज कराने लगी। बात है 1985 की। शेर पूर्वांचल के नाम से सियासत में अपनी पहचान बना चुका वीरेंद्र प्रताप शाही तब लक्ष्मीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर उनकी अदावत सिर्फ लक्ष्मीपुर तक सीमित नहीं थी। उसी वक्त अराजकता की पराकाष्ठा पर सवार एक और शख्स सियासी समर में था, वो भी जेल के भीतर रहकर। नाम था हरिशंकर तिवारी। हालांकि दोनों की विधानसभा क्षेत्र अलग अलग थे, लेकिन दोनों के वर्चस्व की होड़ तब की मीडिया की सुर्खियां बनी थी। इसी बीच 1985 में गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह यूपी के मुख्यमंत्री बन गए। उनके लिए प्रदेश संभालने से ज्यादा महत्वपूर्ण माफियाओं को संभालना था। जनता इसी बात से उनको नाप रही थी कि वो संभाल पाते हैं कि नहीं। लेकिन तब तक हरिशंकर तिवारी ने संगीनों के साए में सियासत शुरू कर दी थी। एक जमाने में पूर्वांचल की राजनीति में तिवारी की तूती बोलती थी। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल का एक ऐसा सियासी चेहरा था जो सत्ता में रहने के लिए कभी भी पाला बदल सकते थे। पहले कांग्रेस के साथ रहे, फिर बीजेपी, फिर समाजवाद की बैसाखी थामकर निकले सियासी सफर पर। मुख्यमंत्री बनने के बाद वीर बहादुर सिंह ने उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट को लागू किया। वीर बहादुर सिंह को लगा कि इस कानून के जरिए यूपी के संगठित माफियाओं को काबू में किया जा सकता है, लेकिन सच तो ये भी था कि उस वक्त सूबे की सियासत इन्हीं माफियाओं की चौखट पर तय हुआ करती थी। ऐसे में सियासत के किसी भी सरपरस्त के लिए सीधे तौर पर इन माफियाओं से अदावत मोल लेना मुमकिन नहीं था। वक्त के साथ हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही दोनों के बाहुबल को न सिर्फ समाज ने बल्कि सूबे की सियासत ने भी नोट कर लिया। दोनों को समाज और राजनीति दोनों ने स्वीकार कर लिया। पंडित हरिशंकर तिवारी 6 बार और वीरेंद्र प्रताप शाही 2 बार विधायक चुने गए। इन दोनों पर आरोप लगता रहा कि ये कानून तोड़ रहे हैं, पर इनके दर पर आकर लोगों को न्याय मिल जाता था, लिहाजा सियासत की ख्वाहिश रखने वाले नए लोग भी जुड़ने लगे। उन्हीं में एक नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने हरिशंकर तिवारी के इशारे पर वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया था।
वो साल था 1997 जब वीरेंद्र शाही की हत्या की खबर ने न सिर्फ गुनाह की गलियों में बल्कि सियासी गलियारों में भी हड़कंप मचा दिया था। जिस शख्स की दावत की बुनियाद पर हरिशंकर तिवारी ने सियासत में कदम रखा, वो शख्स की मौत ने उसे सुकून तो दिया, लेकिन उसे क्या मालूम था कि गुनहगारों का कोई मजहब नहीं होता। गुनहगारों को पनाह देने वाला एक बाहुबली नेता एक गुनहगार के ही निशाने पर आ गया। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने हिटलिस्ट में दूसरा नाम रखा था कल्याण सरकार में कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का। इसके पीछे थी वो सियासी ख्वाहिश जिसे श्री प्रकाश शुक्ला हर हाल में पूरा करना चाहता था। श्री प्रकाश शुक्ला ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट उसे चाहिए। यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था, लेकिन बहुत जल्द सियासत की ख्वाहिश उसकी फूल साबित हुई। जितनी तेजी से गुनाह की गलियों में वो दाखिल हुआ, उतनी ही तेजी से खत्म भी हो गया। राजधानी में 1990 के बाद जो सूर्य प्रकाश शुक्ला का प्रादुर्भाव हुआ, और वो चाहता था कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र साहिब को मार करके हम सबसे बड़े यहाँ के माफिया हो जाए, और उस चक्कर में उसने वीरेंद्र साहिब को मार दिया। हरिशंकर तिवारी काफ़ी होशियार थे, ये बच गए। और फिर जब माननीय कल्याण सिंह जी की हत्या की सुपारी ले ली, तब उसके बाद एसटीएफ बनी और एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को गाजियाबाद में मार दिया। बेशक गुनाह की दुनिया का सरपरस्त सियासी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सका और एसटीएफ के निशाने पर आ गया, लेकिन हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की अदावत से गुनाहों की दुनिया में दो नाम दाखिल हुए। वो नाम थे मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह। कहते हैं हरिशंकर तिवारी से जुड़े दो लोग थे, इनको शार्प शूटर माना जाता था। ये थे साहिब सिंह और मठनू सिंह, लेकिन सियासत के पंडित अपने दोनों मातहतों पर लगाम लगाने में कामयाब नहीं हो सके। विवाद बढ़ा और मठनू और साहिब सिंह ने अपनी राहें जुदा कर ली। इसी मठनू गिरोह से जुड़ा था मुख्तार और ब्रजेश का ताल्लुक साहिब सिंह गिरोह से था। पर इसी बीच गाजीपुर जेल के पास एक दिन मठनू गोलियों का निशाना बन गया। शक की सुई कई लोगों पर थी। इसके बाद मठनू के भाई साधु सिंह ने कमान संभाल ली, पर 1999 यूपी विधानसभा चुनाव की ठीक पहले साधु सिंह को पुलिस कस्टडी में ही अस्पताल में गोलियों से भून दिया गया। कहा जाता है कि इसके बाद इस ग्रुप की कमान संभाली मुख्तार। उधर पिता की हत्या के बाद से ब्रजेश साहिब सिंह के साथ ही रहने लगा था, ग्रुप में उसका प्रभाव भी था। एक दिन बनारस में जेल से पेशी पर गए साहिब सिंह की पुलिस की हिरासत में ही हत्या हो गई। नाम आया माफिया मुख्तार का। साहिब सिंह की हत्या के बाद से गैंग की कमान ब्रजेश सिंह के हाथों में आ गई और उसके बाद गोरखपुर के अपराध की अनंत कथा में कई और पन्ने लिखे जाने लगे। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही ने गुनहगारों की जिस फौज को तैयार किया था, उन्होंने अपने आंखों को ही चुनौती देनी शुरू कर दी, और देती भी क्यों ना। सवाल सियासत का जो था, सच भी तो यही है ना कि सियासत में सरपरस्ती ज्यादा वक्त तक रहती कहां है, और यही हुआ गोरखपुर के गुनाह की गलियों में। वीरेंद्र प्रताप शाही पहले ही मारा जा चुका था और 6 बार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले हरिशंकर तिवारी का सियासी सूरज कमोबेश अस्त होने लगा था। ऐसे में मैदान में आमने सामने था मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह। बेशक गुनाह की गलियों में मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह दोनों ही कुख्यात थे, लेकिन दोनों ये बखूबी समझ चुके थे कि सियासत की आड़ में ही दोनों अपने गुनाहों पर पर्देदारी कर सकते हैं। लिहाजा सियासत की पहलू में पनाह ले ली इन दोनों माफिया सरगनाओं ने। ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी दोनों ही विधान परिषद और विधानसभा में आ गए। सियासत का सच गुनाह की साजिश में शामिल होता गया। हालांकि इन दोनों के सच के सामने सियासत करना अपराध था, लेकिन जब वही सियासत इनके माफिया राज को दम दे रहा था, तो उससे तौबा करके उसे बेदम करते भी तो कैसे। इससे पहले दो कट्टर दुश्मन हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही भी ऐसे ही नेता थे जो सदन में एक साथ आए थे, लेकिन ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि उत्तर प्रदेश में बैलेट बनाम बुलेट की केमिस्ट्री की शुरुआत गोरखपुर से ही हुई थी। उस गोरखपुर से जिसके 3 ही उसूल थे, आवेदन, निवेदन, और फिर भी न माने तो दे दना। लेकिन जरा रुकी,
अब सियासत के साथ साथ गोरखपुर के भी उसूल बदल गए हैं, वो भी तब जबकि सूबे के हुक्मरान की हैसियत से कुर्सी पर काबिज होने वाले सियासतदान का ताल्लुक भी गोरखपुर से ही है। शायद तभी गुनाह की गिरफ्त में फंसे उस दर्द को न सिर्फ उन्होंने महसूस किया बल्कि सत्ता की कुर्सी पर काबिज होते ही सबसे पहली सौगंध भी उसी गोरखपुर के अतीत से जुड़ी थी। प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरीन स्थिति थी तो परिणाम सामने आ गए। एक तरफ जो माफिया पहले गरीबों की संपत्ति को हड़पते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, सत्ता उन्हें संरक्षित करती थी, उन माफियाओं की अवैध कमाई पर प्रदेश सरकार का जब बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद माफिया और अपराधियों के संरक्षण दाताओं के भी होश उड़ते हुए दिखाई दिए। योगी के सख्त फैसले का असर ही था कि माफिया मुख्तार से लेकर ब्रजेश सिंह हर किसी ने संगीनों से तौबा कर लिया। जो गुनाह की गलियों में तटस्थ थे उनके गुनाहों का हिसाब हुक्मरान के हुक्म पर हाकिमों ने लिखा और जिन्होंने गुनाह से तौबा कर लिया उनके हिस्से अदालत से रिहाई का परवाना जारी हुआ। ये योगी के ऑपरेशन बाहुबली का ही असर है कि अब तक 4,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अगर बात गोरखपुर की करें तो सबसे ज्यादा करीब 600 करोड़ की अवैध संपत्ति इस जून में ही जब्त की गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार में आज मुख्तार अंसारी के भी 1,000 से ज़्यादा करोड़ की संपत्तियां या तो जमींदोज की जा चुकी हैं, प्रशासन के कब्जे में ली जा चुकी हैं। माफिया राज के खात्मे को लेकर संजीदा योगी का चाबुक बदस्तूर जारी है और यही वजह है कि जो कल तक टूटा था वो सब जुड़ रहा है। अब जाकर सुकून कहीं गोरखपुर की ओर मुड़ रहा है। ऐसा इसीलिए भी कि अब से पहले गोरखपुर की आवाम के लबों पर भरोसे के ऐसे लफ्ज भी कहां आए थे। योगी शासन है भैया, योगी शासन में अच्छे अच्छे अपराधी के जेल भी होता, साथ साथ में बेल भी होता। योगी जी का अपराधी का इनकाउंटरों करी है, उनका पोस्टमार्टमो करी है और उनका निश्चित ना हुआ कि उनके साथ काज रहा है। हाँ, अपराध का खत्म करे के बढ़िया इंतजाम कैले बात है। यकीन नहीं होता कि ये वही वीरेंद्र प्रताप शाही का गोरखपुर है। ये भी यकीन नहीं होता कि ये वही मुख्तार और ब्रजेश का गोरखपुर है जहां संगीनों के साए में चलना मजबूरी बन गई थी। अगर किसी ने गोरखपुर का रुख कर लिया तो लौटकर उसकी जुबां पर यही लफ्ज होते थे, चलो लाजमी था ऐसे शहर गोरखपुर आना। कुछ सीखा हो या न सीखा हो पर संभलना जरूर सीख लिया। पर अब ऐसे एहसास न सिर्फ शहर की सरहद बल्कि सूबे की सरहद पार कर चुके हैं। 5 दशक तक सूबे में जिस गैंग साफ गोरखपुर का वर्चस्व रहा, सियासत में जिसकी ठसक रही, लखनऊ की सियासत कुर्सी की खातिर जिस गोरखपुर को हसरत भरी निगाहों से देखती थी, आज उसी गोरखपुर का रहनुमा सूबे का हुक्मरान है। लेकिन ये सच है कि अब गोरखपुर को देखने का लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि वजह है योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बाहुबली। वीडियो लिस्ट रिपोर्ट, दीपक श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, गोरखपुर।